किसी से बातचीत करते हुए हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और उनमें से मूवीज भी एक टॉपिक है सो so, मान लो अगर आपसे कोई पूछे कि रणवीर की वो नई मूवी कैसी है हाउ इज न्यू मूवी तो आप क्या क्या आंसर कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे सॉरी आई एम नॉट इन मूवीज मतलब सॉरी मैं मूवीज देखने वालों में से नहीं हूँ मुझे अभी देखनी है इट्स अ वन टाइम वॉच एक बार के लिए ठीक है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम Time movie है। है, मैं ट्रेलर तक नहीं झेल पाया। it's boring, but it has its moments. वैसे तो बोरिंग है, लेकिन कुछ कुछ पल अच्छे हैं फर्स्ट हाफ इज गुड बट सेकंड हाफ नॉट बेरेबल फर्स्ट पार्ट तो फिर भी अच्छा है लेकिन दूसरा पार्ट बिल्कुल नहीं झेला जा सकता आई स्लेप थ्रू द मूवी पूरी मूवी में मैं सोता रहा आई स्लेप मोस्ट ऑफ द मूवी ज्यादातर मूवी मैंने सोते हुए बिताई If you are action movie fan then you will like it. अगर तो आपको एक्शन मूवीज पसंद हैं तो आपको जरूर पसंद आएगी। It's a dark movie. Dark movie मतलब ऐसी मूवी जिसमें वॉयलेंस हो, खून खराबा हो, मार-धाड़ हो। It's not my type. मेरे मतलब की तो नहीं है। It's light hearted movie. Light-hearted मतलब ऐसी मूवी जो एंटरटेनमेंट के लिए बनी हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो। It's a laughter riot. riot मतलब ऐसी मूवी जो जो हंसा पेट में दर्द कर दे। It's a cult movie. Cult movie मतलब जो बहुत ज़्यादा लोगों लोगों को को तो पसंद पसंद नहीं आती, आती पर कुछ लोगों को इतनी पसंद आती है कि वो उसके डायलॉग्स बोलते हैं उसकी टी-शर्ट बनवाते हैं, हैं। उसके बारे में बातें करते निकल गई आई मिस्ड फोर 10 मिनट शुरू के 10 मिनट मेरे मिस हो गए

I loved it. मुझे बहुत पसंद आई I can watch it again। मैं दोबारा देख सकता हूँ Let's go together। चलो साथ में चलते हैं इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है बहुत खास है जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है आपको बिना ग्रामर में उलझाए सारे कॉन्सेप्ट हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं और आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है रिसेंटली इस कोर्स को ऑनलाइन कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और इसे कंप्लीट करने पर आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप अव्वल इंग्लिश डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में बताना और लाइक और शेयर भी जरूर करना अगर होना है सफल तो फॉलोअपल